दोस्तों, मैं देवेंद्र सर आप सभी का स्टार कोच चैनल पर स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इंग्लिश ग्रामर की यहां पर प्रैक्टिस सेट एवं उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहां पर लिया जाता है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए इसमें बहुत ही मोस्ट एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें लिया जाता है। इसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चनों को लिया जाता है जो तो एग्ज़ाम में या तो पूछ लिए गए हैं या फिर 99% पूछे जाने की संभावना होती है। दोस्तों, इसमें हर वीडियो में हर प्रकार के अलग क्वेश्चनों को लिया जाता है जो कि आपको नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए क्वेश्चनों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए जिससे कि आपको इंग्लिश ग्रामर में जो भी डाउट हो वो पूरे हो जाएंगे, क्लियर हैं जी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल डिटरमिनर्स, यानी आपको क्या करना है, फिल करना है डिटरमिनर्स। जो यहाँ पर खाली स्थान ब्लैंक बना हुआ है आपको वहाँ पर डिटरमिनर्स को भरना है, यानी जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसको आपको खाली स्थानों में भरना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वुड यू गिव मी ब्लैंक्स बुक्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी दिए गए हैं। तो इसमें आप देखिए, थोड़ा सा मैं इससे पहले बता देता हूँ, भरने से पहले देखो मस्क किया जाता है अनकाउंटेबल के साथ अर्थात जिसे गिना नहीं जाता है जी, और एनी के यूज किया जाता है जब सेंटेंस में या तो निगेटिव बात की जाए या फिर इंटरोगेटिव, ठीक है दोस्तों। और सम का यूज किया जाता है वह सेंटेंस जो कि ना ही निगेटिव सेंस देता हो ना ही इंटरोगेटिव, तो ऐसी कंडीशन में आपका सम का आता है। ये तो आपको नॉर्मल बात थी, अब आपको बताइए इसमें क्या आएगा। देखो अभी तक आप इसमें देखेंगे इंटरोगेटिव देख के कह देंगे कि सर इसमें तो एनी का आएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें वो ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए जाते हैं कि आपको कुछ ऐसा बेसिक नॉलेज दिया जाए जो आपको किसी भी प्रकार से आपका रॉन्ग ना हो आंसर। तो देखो मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ इसमें कॉन्सेप्ट। देखो जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको वुड दिया जाए, यानी आपकी शुरुआत वुड से हो, तो फिर चाहे वो वाक नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो, उसमें ऐसी कंडीशन में आपका 100% सम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यह बताता है फ्यूचर वाली घटनाओं को प्रदर्शित करता है, वुड यू गिव मी, क्या तुम मुझे कुछ बुक्स देंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या आएगा, सम आएगा। याद रखिएगा जब भी आपकी शुरुआत वुड से हो तो फिर उसमें आपका सम ही आएगा, फिर चाहे वो वाक नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव। ओनली मैं वुड वारी की बात ही कर रहा हूँ, ओनली वुड से ही शुरुआत हो तो, अदर कंडीशन नहीं। ओके दोस्तों, इसे याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप, ही डिड नॉट मेक, अब इसमें देखो नेगेटिव दिया है तो इसमें 100% एनी ही आएगा, ठीक है। और इसमें नो का तो मतलब है कि इस दोनों में से कोई नहीं, तो देखो सम का आता है या तो वो वुड से शुरुआत होनी चाहिए या फिर वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसमें आपका नेगेटिव दिया है इसलिए आपका एनी आ जाएगा। तीसरा देख लीजिए, इसमें लिखा है, अब इसका अर्थ क्या होता है, ही डिड नॉट मेक, अर्थ भी मैं बताते चलता हूँ, यानी उसने अपने निबंध में कुछ भी या एनी यानी होता है कोई भी गलती नहीं की है, यानी उसने अपने निबंध में कोई गलती नहीं की है। अब इसका तीसरा देख लीजिए, He has two brother, अब उसके क्या, उसके दो भाई हैं, of them has a car, तो अब यहाँ पर देखो all दिया है और इस दिया है every दिया है। सबसे पहले मैं तीनों को बता देता हूँ। देखिए all का यूज किया जाता है जब कोई plural हो, यानी दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है all का। इसका किया जाता है जब दो या दो से अधिक में से एक की कैंडिडेट यानी एक चीज़ की ओर इशारा करे, और एवरी का किया जाता है यानी सभी के लिए किया जाता है एवरी, यानी सभी के लिए एक एक चीज अवेलेबल है, तो ऐसी कंडीशन में किया जाता है। तो अब यहाँ देखिए, हीज टू ब्रदर यानी उसके दो भाई हैं, और ऑफ देम हैज़ ए कार यानी उन सभीों के बीच में क्या है, एक कार है, तो एक हो रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए इच आ जाएगा, यानी जब दो या दो से अधिक में से किसी एक की ओर इशारा करे तो ऐसी कंडीशन में इच होता है। आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर,
तो इसे पढ़िए और देखिए। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिखा है ही स्पीक, देखो यहाँ पर क्रिया में एस लगा है, ये क्या है आपका, यहाँ पर वर्ब सिंगुलर के इंडिकेट कर रहा है। ब्लैंक्स दिया है डिफरेंट लैंग्वेज, अब यहाँ पर देखो फ्यू को किया जाता है, ये किया जाता है कहाँ पर, जो अपन गिन सकते हैं, लेकिन इसका यदि वो सेंस नेगेटिव दे रहा है तो फ्यू आएगा। मच का यूज मैं बता चुका हूँ अनकाउंटेबल के साथ, और मैनी का यूज किया जाता है काउंटेबल, अर्थात जिसे आप गिन सकते हैं। तो आप देख लीजिए लैंग्वेज को आप गिन सकते हैं, तो ये तो वैसे नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो मैनी ही बचा, यानी वह है स्पीक, वह बोलता है अनेक भाषाओं को बोलता है, सेंस से ही क्लियर भी हो रहा है, इसलिए आपका मैनी आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसी का फिफ्थ देख लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, टुडे इज ब्लैंक हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि जो आज का दिन है क्या है, साल का सबसे गर्म दिन है, हॉट यानी क्या होता है, गर्म होता है, यानी गर्म गर्म दिन है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, देखो मैं सभी से सबसे पहले मैं ए का बता देता हूँ, एन का और दा का कहाँ, ए का यूज किया जाता है देखो जहाँ पर आपको का से ज्ञा ज्ञान के बीच में उच्चारण हो हिंदी वाक्यों के, तो वहाँ पर ए का होता है। एन का यूज किया जाता है जहाँ पर आ से आहा के बीच में उच्चारण हो हिंदी वाक्यों में, तो वहाँ एन का कहते हैं। दा का किया जाता है या तो कोई प्रसिद्ध चीज हो या किसी शब्द के अंत में क्या हो, या तो एसटी लगा हो या फिर ईएसटी लगा हो, यानी या तो ईएसटी लगा होनी चाहिए या एसटी। तो देखो इसमें क्या लगा हुआ है आपका, ईएसटी लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या जाएगा, दा आ जाएगा। याद रखना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो, किसी भी शब्द में क्या दिया हो, ईएसटी लगा हो यानी सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई हो, तो और उससे पहले आपको आर्टिकल करना हो, तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल 100% आपका दा ही आएगा। किसी भी शब्द में ईएसटी लगा हो तो उसमें क्या आता है आपका, दा आता है, सिर्फ ऑनेस्ट को छोड़ के, क्योंकि ऑनेस्ट आपका इसमें लगा नहीं है, उसकी मीनिंग ही होती है ऑनेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसे देख लीजिए छठवां क्वेश्चन, तो इटली इज ब्लैंक। अब इसमें देखो काफ़ी बच्चे इसे क्या पढ़ लेते हैं, यूरोपियन पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, यूरोपियन नहीं, लेकिन यूरोपियन ना पढ़ के इसे यूरोपियन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यूरोपियन, यानी आपको इसको प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा। तो इसमें देखो ई क्या है, इसमें आपकी जो ये वाली ई दी गई है ये आपकी साइलेंट है, इसलिए ई नहीं पढ़ेंगे इसमें, यू से लेंगे। तो देखो इसका उच्चारण आ रहा है, कैसे आ रहा है, यानी आपका यू आना, यानी का से लेके ज्ञा ज्ञान के बीच में इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यानी उच्चारण हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अभी क्या बताया था मैंने, यानी आपका ए आ जाएगा। ओके, दा नहीं आएगा ना एन आएगा। अब इसका सिक्स हो गया है, अब इसका एट देख लीजिए, इसका सेवन छूट गया है, एट देख लीजिए सीधा। तो ब्लैंक बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। अब इसमें क्या करना है, देखिए प्रिंट, अब यहाँ पर देखो फिर से आर्टिकल हो गया, वो आर्टिकल देखने के लिए देखो अर्थ आप पे बने या ना बने तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा देख लेते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट और मिलेगा आपको सीखने, देखो जब भी आपका शुरू में ब्लैंक दिया जाए उससे पहले आपको कोई भी नाउन दिया जाए, बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में ए भर देंगे, क्योंकि देखो बुक, अब आप कहेंगे कि इसमें तो बुक दिया है, ये प्रोनाउंसिएशन का से ज्ञा ज्ञान के बीच में आ रहा है, तो ए भर देंगे, लेकिन नहीं। देखो जब भी मैं बता रहा हूँ ब्लैंक हो शुरू में और ब्लैंक के बाद आपका कोई नाउन दिया जाए, क्या दिया जाए, नाउन, तो उसमें 100% आपका दा आता है ऐसी कंडीशन में। ओके दोस्तों, ये भी आप याद रख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट होते हैं, अधिकतर बच्चे इसमें ऐसी कंडीशन में गलती कर देते हैं, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। अब इसी के नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा है इसमें चूज द राइट ऑप्शन, इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है और क्या करना है, री राइट द सेंटेंस, और सेंटेंस को फिर से लिखना है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो अपन को इसमें देखना है क्या कह रहा है, तो यहाँ लिखा है टुडे इज ब्लैंक
देन यस्टरडे। तो अब यहाँ पर देखिए टुडे, अब इसमें देखो मैंने बताया था, देखो या तो इसमें देन लगा है तो ये देखो डिग्रियाँ दिए गए यहाँ पर, देखो देन दिया गया है, यानी जब भी किसी भी सेंटेंस में देन दिया जाए तो उसमें आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, यानी उसमें कंपेयर किया जा रहा है, यानी आज का दिन कल के दिन से क्या है। अब ऑप्शन भी दिए गए हैं इसमें, देख लीजिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया है कोल्ड, दूसरा दिया कोल्डर और तीसरा दिया कोल्डेस्ट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखो जिसमें भी सेंटेंस में आपको देन हो तो उसमें जिस भी वर्ड आपको ब्लैंक दिया जाए उसमें ईआर वाला आप लगा देंगे। तो इसमें क्या दिया है, देखो ये तो हो नहीं सकता है, ये दिया है सुपरलेटिव डिग्री। देखो इसमें ईएसटी लगा है, ईएसटी वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि इससे पहले आपको मैंने बताया था अभी कि दा आएगा, तो इसमें दा नहीं दिया है। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या जाएगा, कोल्डर आ जाएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी का बी दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा, यानी जैसे ही लड़के ने क्या किया, कोबरा देखा, ही रन अवे, हुआ क्या हो गया, भाग गया। तो अब इसमें देखिए, तो इसमें ऑप्शन देखिए एज सून आएगा या फिर देन आएगा या फिर एज आएगा। तो अब इसके लिए कॉम्सेट ऑफ देख लीजिए इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो नो सूनर और इसकी एक जोड़ी होती है नो सूनर देन, एक साथ आते हैं ये नो सूनर देन। तो यहाँ पे देखो नो सूनर दिया है और देन इसमें कहीं दिया नहीं, तो इसमें सिंपल सी बात है इसमें आपको क्या आने वाला है, देन आ जाए, क्योंकि जोड़ी होती है देखो नो और फिर उसके बाद सूनर आता है, यानी ब्लैंक पहले तो देखो बीच में सेंटेंस रहता है और उसके बाद देन आता है, तो नो सूनर देन, ये आपका कंजक्शन का एक पार्ट दिया है, उसी से ब्लैंक बना दिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये हो नहीं सकता है और ये तो किसी भी हालत में हो सकता है, इसलिए आपका देन आ जाएगा, ये बिल्कुल 100% राइट आंसर है। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो किसी भी प्रकार तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसी का, तो ही ब्लैंक्स टीचिंग हर सिंस 1999। अब इसमें देखो क्या दिया है, इसमें देखो आपका क्या दिया है, सिंस दिया है। तो देखो जिस भी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, सिंस मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपका देखो, अब देखो हैज़ तो आ नहीं सकता क्योंकि हैज़ अकेला तब आएगा यदि उसमें थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो इसमें तो देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म दी गई है, उसमें आईएनजी लगी है, तो ये हो नहीं सकता, ये इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है, ये प्लुरल है, तो ये गलती हो जाएगा, तो ना ही ये है और ना ही ये, तो इसमें आपका सीधा एक ही बचा है, तो हैज़ बीन टीचिंग हेयर सिंस, यानी वह है यहाँ 1999 से क्या कर रहा है, टीचिंग करा रहा है। तो आई होप आपको दोस्तों ये भी क्लियर हो चुका होगा, सिंस के साथ आपका बीन वाला ही आपका आता है, जिसमें बीन हो उसी में आता है सिंस फोर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए इसी का चौथा वाला, तो ताज महल वाज, अब यहाँ पर देखो एक वर्ब दी गई है इसमें, ये वर्ब दी गई है और इसी वर्ब को बनाना है आपको, कौन सी वर्ब आएगी वो आपको इसमें सही चूज करके फिल करना है। तो इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है ताज महल वाय शाहजहाँ, यानी ताज महल बनाया गया है। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या आ जाएगा, देखो बाज है ना, बाज बता रहा है कि ये किस में की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में देखो ये तो हो नहीं सकता है, अब इसमें देखो बनाया गया है, तो इसमें देखो आपको एक चीज़ बता देती है, इसमें देखो आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें वाय दिया है, तो वाय दिया है यानी ये आपका क्या हो गया है, आपका ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है, यानी ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ और पैसिव वॉइस में हरदम आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका हो, तो थर्ड फॉर्म जहाँ भी दी गई है आप टिक कर दीजिए। तो इसमें क्या दिया है, बिल्ट दिया है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये टेंस नहीं दिया है, आपको पैसिव वॉइस में दिया है, कैसे पता, सिर्फ एक ही वर्ड से पता चलता है कि इसमें वाई दिया है और वाई हरदम पैसिव वॉइस में आती है। आई होप दोस्तों ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसी का आप पांचवा देख लीजिए क्या दिया हुआ है, जैसे द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन दिया है, बी पोस्टपोनड हो गया, यानी ये क्या हो गया है, एग्जाम क्या हो गया है, स्थगित हो गया है। तो अब इसमें देखो, अब स्थगित होना देखो इसमें कोई
स्थगित होना, देखो अब फिर से बता देते हैं, इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको कोई संभावना दी जाए, हिंदी में बता रहा हूँ, इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पर कोई क्षमता दी जाए या योग्यता दी जाए। ये आपका कैन का ही ये पास्ट में दिया है, तो इसमें देखो पास्ट की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये आपका कट्टेस हो जाएगा। तो अब इसमें देखो एग्जाम क्या है, पोस्टपोन हो सकते हैं, तो इसमें आपका मे आ जाएगा। अब देखो इसमें कोई क्षमता तो है नहीं है, जैसे मैं 20 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो यदि ऐसा कुछ होता कंडीशन यानी एबिलिटी होती तो कैन आ जाता, बट इसमें आपका कुछ नहीं आना, मे आएगा ओनली। ओके, अब छठवां इसी के दिया है, ऑल सिटीजन यानी सभी नागरिकों को क्या करनी चाहिए, ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री, यानी जो देश के अपने रूल बने हैं सभी को क्या करनी चाहिए, उसको फॉलो करनी चाहिए, यानी लो को ओबे यानी क्या होता, मानना, आज्ञा करना। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, अब आपका देखो सुड का होता है जब किसी को आज्ञा या कर्तव्य बताने के लिए किया जाता है, इसका किया जाता है जब कोई ऐसे कार्य जो कंपलसरी हो या फिर राष्ट्रहित से संबंधित हो, ये तो हो नहीं सकता है इसमें, क्योंकि नहीं के लिए इसमें कोई नहीं, यानी देखो ऐसा तो है नहीं सभी नागरिकों को माननी चाहिए रूल, नहीं, तो इसमें आपका ये नहीं होगा। इसमें आपका सिंपल सी बात है, मस्ट का यूज हो जाएगा, यानी जब कोई किसी भी सेंटेंस में ओ भी दिया जाए या फिर रूल दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको मस्ट आता है, और वो भी राष्ट्रहित से संबंधित हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया, याद रखना लो वाली बात होए तो उसमें मस्ट आता है, फिर चाहे वो चार्ज ऐसा सेंटेंस होए। बस एक छोटी छोटी सी बात याद रखिए, आपकी कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं जी। अब इसी का सेवंथ यानी सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है यू स्टॉप स्मोकिंग, यानी आपको धूम्रपान नहीं करने चाहिए, ये भी क्या है, ये एक रूल के अकॉर्डिंग है, ये राष्ट्रहित में है, तो इसमें देखो कोई सलाह नहीं दे रहा है आपको, बाकायदा इसमें क्या कर रहा है आपको, मस्ट है ये, क्या कंपलसरी है, कंपलसरी के लिए आपका मस्ट आता है। ओके दोस्तों, तो कंपलसरी है तो इसलिए आपको मस्ट आ जाएगा। सुड को कहाँ आता है देख लीजिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल उसका भी दे देता हूँ, जैसे यहाँ लिखा है ब्लैंक सी वॉक फास्ट, यानी उसे क्या करनी चाहिए, तेज क्या करनी चाहिए, चलना चाहिए, ही विल रीच द ट्रेन, यानी क्या कर लेगी, वो ट्रेन को पकड़ लेगी, तो यदि वो क्या करेगी, तो देखो इसमें क्या है, मस्ट तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये देखो राष्ट्रहित से या लो वाली बात नहीं है, तो इसमें कोई जब आपको सलाह दे या गाइडेंस करे या एडवाइस दे, तो ऐसी कंडीशन में आपका सुड होता है, तो इसमें क्या करे, यदि क्या है तुम फास्ट चलोगे तो तुम ट्रेन पकड़ लोगे, बस ये हो जाएगा। ये देखो इसमें बिल है तो फ्यूचर में दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपका भी सुड होता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है देयर इज, अब यहाँ पे ब्लैंक दिया है, प्रीवियस नॉवल्स इन द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या दिया, लिटिल एनी फ्यू सम, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, तो दोस्तों इसमें क्या भरेंगे, देखो लिटिल का होता है अनकाउंटेबल के साथ, और इसमें एनी को मैं बता चुका हूँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फ्यू को होता है नेगेटिव सेंस देखने के, फ्यू का होता है नेगेटिव सेंस देने के लिए, लेकिन बहुत कम, और सम का यूज कहाँ किया जाता है, पॉजिटिव में। दोस्तों मैं ये बहुत सारे में चारों बता चुका हूँ, तो यदि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वाले में क्या आएगा आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बता दूंगा या मैं कमेंट करके बता दूंगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।